किस देश के एप्सिलॉन रॉकेट इंजन में परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ? जापान। किस देश के एप्सिलॉन रॉकेट इंजन में परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ? जापान। यूरोमनी द्वारा किसे कॉरपोरेट जिम्मेदारी हेतु विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया? DBS बैंक। यूरोमनी द्वारा किसे कॉरपोरेट जिम्मेदारी हेतु विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया? DBS बैंक। किस राज्य में गजा कोथा अभियान शुरू किया गया? असम। गजा कोथा अभियान असम। G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक कहाँ हुई है? गांधीनगर, गुजरात। G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक गांधीनगर, गुजरात। ज्योति याराजी ने एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में 2023 में कौन सा पदक जीता? ज्योति याराजी ने एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। स्किल इंडिया ने किस राज्य की नमदा कला को सफलतापूर्वक पूंजीवित किया? जम्मू कश्मीर। स्किल इंडिया ने किस राज्य की नमदा कला को सफलतापूर्वक पूंजीवित किया? जम्मू कश्मीर। सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है? 2030। सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है? 2030। किस राज्य के आथुर पान के पत्ते को GI टैग मिला है? तमिलनाडु। आथुर पान तमिलनाडु। किस देश ने बढ़ती खाद कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? नाइजीरिया। किस देश ने बढ़ती खाद कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? नाइजीरिया। किस राज्य की कालेश्वरम परियोजना को फिर से चालू किया गया? तेलंगाना। किस राज्य की कालेश्वरम परियोजना को फिर से चालू किया गया? तेलंगाना। भारतीय टीम ने 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 2। भारतीय टीम ने 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 2। जापान, दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित किया? अमेरिका। जापान, दक्षिण कोरिया, किस देश ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित किया? अमेरिका। अडानी समूह ने कहा भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? झारखंड। अडानी समूह ने कहा भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? झारखंड। भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? UAE। भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? UAE। बैडमिंटन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। विंबलडन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया गया है? हैदराबाद। बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया गया है? हैदराबाद। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ? मंगोलिया। किस राज्य में हरेला पर्व शुरू हुआ है? उत्तराखंड। किस राज्य में हरेला पर्व शुरू हुआ है? उत्तराखंड। भारत के बाहर कहाँ IIT दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा? अबू धाबी। भारत के बाहर कहाँ IIT दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा? अबू धाबी। ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में शुभम बिश्ला ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में शुभम बिश्ला ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? उड़ीसा। किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? उड़ीसा। किस देश में स्थित लूवर संग्रहालय चर्चा में है? फ्रांस। किस देश में स्थित लूवर संग्रहालय चर्चा में है? फ्रांस। जो बाइडन ने किस भारतीय अमेरिकियों को राष्ट्रपति की निर्यात परिषद में नियुक्त किया है? समीना सिंह। जो बाइडन ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति की निर्यात परिषद में नियुक्त किया है? समीना सिंह। किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है? चीन। किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है? चीन। किसने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया? नीति आयोग। नीति आयोग के
निर्यात तैयारी सूचनांक में कौन से स्पर है? तमिलनाडु। निर्यात तैयारी सूचना से इस पर है तमिलनाडु, नीति आयोग द्वारा जो जारी किया जाता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन से इस पर है? सिंगापुर। भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी त्रिस्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्रिस्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली। फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सिविलियर अवार्ड प्रदान किया गया है? अरुण साईराम तथा शशांक सुब्रमण्यम। फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सिविलियर अवार्ड प्रदान किया गया है? अरुण साईराम तथा शशांक सुब्रमण्यम। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है? सिंप्लीफाई। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है? सिंप्लीफाई। ADB ने चालू वित्त वर्ष में भारत के वृद्धि दर कितने प्रतिशत करने का अनुमान लगाया है? 6.4। ADB ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 6.4%। किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है? थलीपल प्रदीप। किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है? थलीपल प्रदीप। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? बजरंग पूनिया। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? बजरंग पूनिया। किस राज्य सरकार न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है? राजस्थान। किस राज्य सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है? राजस्थान। कौन सा राज्य फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा? गुजरात। कौन सा राज्य फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा? गुजरात। किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 56 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? उड़ीसा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश। किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? मोक्ष राय। किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट? मोक्ष राय। किसने फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार हासिल किए हैं? DD स्पोर्ट्स। किसने फीफा विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार हासिल किए हैं? DD स्पोर्ट्स। हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के शुभंकर बोम्मन का अनावरण कहाँ किया गया? चेन्नई। हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के शुभंकर बोम्मन का अनावरण कहाँ किया गया है? चेन्नई। किसने भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है? रविंद्र बंसटू। किसने भारतीय वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है? रविंद्र बंसटू। किस बैंक ने अमृत महोत्सव FD योजना शुरू की है? IDBI बैंक। किस बैंक ने अमृत महोत्सव FD योजना शुरू की है? IDBI बैंक। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए? जापान। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए? जापान। तैर कर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने? अंशुमन झिंगरन। तैर कर नॉर्थ पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? अंशुमन झिंगरन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़। अमरीकी इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? लीसा फ्रेंचेटी। अमेरिकी इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? लीसा फ्रेंचेटी। किस राज्य सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया है? असम। किस राज्य सरकार ने
एकल प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया है? असम। भारत और किस देश के नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? श्रीलंका। भारत और किस देश ने नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? श्रीलंका। किस राज्य सरकार ने 1,00,000 रुपये का ब्याज मुक्त फसल ऋण योजना शुरू की है? उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने 1,00,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण योजना शुरू की है? उड़ीसा। ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शाहरुख खान। ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शाहरुख खान। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? मालदीव। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? मालदीव। सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? मालदीव। QS बेस्ट स्टूडेंट सीरीज 2024 रैंकिंग में कौन से इस पर आया? लंदन। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में कौन से इस पर आया? लंदन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए किस राज्य में गंबूसिया मछली का इस्तेमाल किया जाएगा? आंध्र प्रदेश। मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए किस राज्य में गंबूसिया मछली का इस्तेमाल किया जाएगा? आंध्र प्रदेश। भारत ने युद्धपोत INS कृपान को किस देश को सौंपा? वियतनाम। भारत ने युद्धपोत INS कृपान को किस देश को सौंपा है? वियतनाम। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की अंतिम बैठक कहाँ हुई? चेन्नई। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की अंतिम बैठक कहाँ हुई? चेन्नई। किसने नार्डिया ओपन का खिताब जीता है? एंड्री रूबलेव। किसने नार्डिया ओपन का खिताब जीता है? एंड्री रूबलेव। किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है? गुजरात। किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है? गुजरात। किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है? राजस्थान। किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया? राजस्थान। किसने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? अल्जीरिया। किसने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? अल्जीरिया। 26 जुलाई किस दिवस में मनाया गया है? कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया? राजकोट शहर के हीरासर गांव में। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया? राजकोट शहर के हीरासर गांव में। तेंजिंग यांगकी किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है? अरुणाचल प्रदेश। तेंजिंग यांगकी किस राज्य की पहली महिला IPS बनी अधिकारी बनी है? अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया है? 85 वा। 27 जुलाई को CRPF ने कौन सा स्थापना दिवस मनवाया है? 85 वा। किस देश की संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाली बिल पास किया गया? इसराइल। किस देश की संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास किया गया? इसराइल। कहाँ के बाइकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? मुंबई। कहाँ के बाइकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक पुरस्कार मिला है? मुंबई। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम योगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? नई दिल्ली। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम योगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? नई दिल्ली। किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट कर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? नाइजर। 2023 को किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट कर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया? नाइजर। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसने
नियुक्त किया गया उत्तम सिंह। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया? उत्तम सिंह। भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य सामंत। किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? भूटान। देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? भूटान। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? रूस। किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? रूस। कमलजीत ने ISSF जूनियर रोटिंग विश्व कप चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। कमलजीत ने ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन बनी है? फांगनोंग कोनियाक। नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन बनी है? फांगनोंग कोनियाक। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? बंगलुरु। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? बंगलुरु। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को आचार संहिता उल्लंघन के कारण निलंबित किया गया? हरमनप्रीत कौर। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को आचार संहिता उल्लंघन के कारण निलंबित किया गया? हरमनप्रीत कौर। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी कहाँ शुरू की गई है? मध्य प्रदेश। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी कहाँ शुरू की गई है? मध्य प्रदेश। कहाँ डॉक्टर आपके गांव में पहल शुरू की गई है? जम्मू कश्मीर। कहाँ डॉक्टर आपके गांव में पहल शुरू की गई है? जम्मू कश्मीर। किसने प्रतिष्ठित माइकल फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार जीता है? शंकरी चंद्रन। किसने प्रतिष्ठित माइकल फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार जीता है? शंकरी चंद्रन। किस बैंक ने NRI महिलाओं के लिए NR बचत खाता योजना शुरू करने की घोषणा की है? फेडरल बैंक। किस बैंक ने NRI महिलाओं के लिए NR बचत योजना शुरू करने की घोषणा की है? फेडरल बैंक। भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार किसे मिलेगा? कार्तिक आर्यन। भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार किसे मिलेगा? कार्तिक आर्यन। किस राज्य सरकार ने अश्वमेधा देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? बिहार। किस राज्य सरकार ने अश्वमेधा देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है 2023 को? बिहार। इंडिया के डेलाइट इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर कितनी रहने की संभावना है? 6 से 6.3%। डेलाइट इंडिया के जारी आंकड़ों के अनुसार 31 जुलाई 2020 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर कितनी रहने की संभावना है? 6 से 6.3%। ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन से स्पर्धा है? चीन। ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 पे कौन से स्पर्धा है? चीन। लापता महिलाओं की सूची में कौन से स्पर्धा है? महाराष्ट्र। लापता महिलाओं की सूची में कौन से स्पर्धा है? महाराष्ट्र। G20 अध्यक्षता के तहत Think20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? मैसूर। G20 अध्यक्षता के तहत Think20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? मैसूर। भारत में बाघों की आबादी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है? 6.1। भारत में बाघों की आबादी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है? 6.1%। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा केरल। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा केरल।
अमरीकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? निशा बिस्वाल। अमरीकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? निशा बिस्वाल। भारतीय सेना ने कहाँ अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश। भारतीय सेना ने कहाँ अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश। अमृत सरोवर अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहाँ G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? गांधीनगर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहाँ G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? गांधीनगर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? असम। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? असम। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापन। 2023 का बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टापन ने जीता। किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ने सम्मानित किया है? पीएम नरेंद्र मोदी। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय सम्मानित किया पीएम नरेंद्र मोदी। किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने संन्यास की घोषणा की है? इंग्लैंड। किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने संन्यास की घोषणा की है? इंग्लैंड। फिर भारतीय मूल की लेखिका का पहला उपन्यास विस्टन लेन बुकर प्राइज 2023 की लिस्ट में शामिल हुआ है? चेतना मारू। किस भारतीय मूल की लेखिका का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन बुकर प्राइस 2023 के विजेता लिस्ट में शामिल हुआ? चेतना मारू। इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट को PSLV C-56 रॉकेट से लॉन्च किया? सिंगापुर। इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट को PSLV C-56 रॉकेट से लॉन्च किया? सिंगापुर। जलेश्वर धातु शिल्प को GI टैग मिला है, यह किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। जलेसर धातु शिल्प को GI टैग मिला है, ये किस देश में है? किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। किसने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला है? समीर सक्सेना। किसने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला है? समीर सक्सेना। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा? उड़ीसा। अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा? उड़ीसा। आयरलैंड दौरा के लिए किस भारतीय T20 टीम का कप्तान बनाया गया है? जसप्रीत बुमराह। आयरलैंड दौरा के लिए किसे भारतीय T20 टीम का कप्तान बनाया गया? जसप्रीत बुमराह। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन लॉन्च किया है? असम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया? असम। किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया? झारखंड। किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया? झारखंड। सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु। सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु। ज्यूरिक फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? डायनी क्रूगर। ज्यूरिक फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? डायनी क्रूगर। फाइट रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? डिंगो केस। फाइट रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? डिंगो केस। किस राज्य की कैबिनेट ने 19 नए जिले और 3 नए संभागों के गठन की मंजूरी दी है? राजस्थान। किस राज्य की कैबिनेट ने 19 नए जिले और 3 नए संभागों के गठन की मंजूरी दी है? राजस्थान। किस देश के क्रिकेटर एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? इंग्लैंड। किस देश के क्रिकेटर एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? इंग्लैंड। किस राज्य की विधानसभा ने
विश्वविद्यालय कानून संशोधन पारित किया? पश्चिम बंगाल। किस राज्य की विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 पारित किया? पश्चिम बंगाल। देश भर में बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? मासी पोर्टल। देश भर में बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? मासी पोर्टल। फिर है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कौन से इस पर रहा है? वॉलमार्ट। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कौन से इस पर रहा है? वॉलमार्ट। किस देश के फुटबॉलर जियान लुइगी बुफेन ने संन्यास लिया है? इटली। किस देश के फुटबॉलर जियान लुइगी बुफेन ने संन्यास लिया है? इटली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहाँ प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तमिलनाडु। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहाँ प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तमिलनाडु। किसे IFFM में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मृणाल ठाकुर। किसे IFFM में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मृणाल ठाकुर। किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने गोल्ड योजना शुरू की है? इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने गोल्ड योजना शुरू की है? इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। गूगल ने किस देश के ट्रांसजेंडर साइक्लिस्ट विली ब्रुइन की 109वीं जयंती मनाई गई? बेल्जियम। गूगल ने किस देश के ट्रांसजेंडर साइक्लिस्ट विली ब्रुइन की 109वीं जयंती मनाई है? बेल्जियम। राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया गया है? बिहार। किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया गया है? बिहार। ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन बना है? इराक। ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन बना है? इराक। भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? अदिति गोस्वामी। कौन भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? अदिति स्वामी। किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है? गुजरात। किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद लागू की है? गुजरात। किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट रखा? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प और हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट रखा है? हिमाचल प्रदेश। किसे ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? जयेश सैनी। किसे ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? जयेश सैनी। किसे तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? एम परमेश। किसे तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? एम परमेश। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीट पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम क्या? हल्ला बोल। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में कौन से स्पर रहा? भारत। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में कौन से स्पर है? भारत 2023 का। T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? तिलक वर्मा। T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने? तिलक वर्मा। कहाँ के जीवाश्मों में पौधा रखने वाले डायनासोर्स की एक नई प्रजाति मिली है? जैसलमेर। कहाँ के जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर्स की एक नई प्रजाति मिली है? जैसलमेर। प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या में कौन से स्पर है? बिहार। प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या में कौन से स्पर है 2023 में? बिहार। फाइनेंस बैंक 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करेगी? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। फाइनेंस बैंक 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करेगी? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। मिस एथलेटिक चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? नीरज चोपड़ा। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? नीरज चोपड़ा। किस राज्य के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट और
मुश्क बुद्धजी चावल को जीआई टैग मिलने हैं जम्मू कश्मीर। किस राज्य की राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट तथा मुस्त बुज्जी की चावल को जीआई टैग मिले हैं जम्मू कश्मीर। एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? कुपवाड़ा। एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया? कुपवाड़ा। किसने चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया है? रूस। किसने चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया है? रूस। किस देश की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है? इंडोनेशिया। किस देश की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है? इंडोनेशिया। किसे यूके संसद द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मायरा ग्रोवर। किसे यूके संसद द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मायरा ग्रोवर। किस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया? एयरटेल पेमेंट बैंक। किस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू किया गया? बंगलुरु। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू किया गया? बंगलुरु। सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले कहाँ पाए गए 2023 में? उत्तर प्रदेश। कहाँ कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क शुरू किया गया? हैदराबाद। कहाँ कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क शुरू किया गया? हैदराबाद। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है? मेघालय। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है? मेघालय। किस राज्य की कैबिनेट ने किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के लिए 6,000 रुपये की मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश। किस राज्य की कैबिनेट ने किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के लिए 6,000 रुपये की मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश। भारत ने कब तक प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर 15% रखने का लक्ष्य रखा है? 2030। भारत ने कब तक प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर 15% रखने का लक्ष्य रखा है? 2030। भारत के कितने और हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा सुविधा शुरू की जाएगी? 6। भारत के कितने और हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा सुविधा शुरू की जाएगी? 6। किसे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड RICS मिला है? सुभाष रूनवाल। किसे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड RICS मिला है? सुभाष रूनवाल। RBI ने UPI लाइट के लिए प्रतिदिन लेनदेन सीमा को बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया? 500। RBI ने UPI लाइट के लिए प्रतिदिन लेनदेन सीमा को बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया? 500। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित किया है? कोलकाता। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित किया है? कोलकाता। किस देश ने चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती है? भारत। किस देश ने चौथी बार एशियन ट्रॉफी चैंपियनशिप जीती है? भारत। 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? जियो हैप्टिक। 13वें एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? जियो हैप्टिक। किसे चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया है? वियना। किसे चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया है? वियना। FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग कौन से पर रहा? GS नीदरलैंड। FIH पुरुष हॉकी में कौन से पर है? GS नीदरलैंड। किसने गुजरात में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? पुरुषोत्तम रूपाला। किसने गुजरात में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? पुरुषोत्तम रूपाला। स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? 954। 15 अगस्त 2023 को इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? 954।
अनवर उल हक कक्कड़ किस देश के, अनवर उल हक कक्कड़ किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं, पाकिस्तान। अनवर उल हक कक्कड़ किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, पाकिस्तान। किसने पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है, जन्निक सीना। किसने पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है, जन्निक सीना। युवा 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया जाएगा, वाराणसी। युवा 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, वाराणसी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है, उत्तर प्रदेश। G20 फिल्म उत्सव कहाँ हुआ है, नई दिल्ली। G20 फिल्म उत्सव महोत्सव फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में। SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, 2027। SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, 2027। किस राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किए हैं, गोवा। किस राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है, गोवा। केंद्र ने किसे LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, R. दुरईस्वामी। केंद्र ने किसे LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया, R. दुरईस्वामी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद पैकेट योजना शुरू की है, राजस्थान। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद पैकेट योजना शुरू की है, राजस्थान। किसे जुलाई 2023 के प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है, क्रिक्स बॉक्स और एशले गार्डनर। किसे जुलाई 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ, क्रिक्स बॉक्स और एशले गार्डनर। किस देश के क्रिकेटर स्टीवन फिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लिया है, इंग्लैंड। किस देश के क्रिकेटर स्टीवन फिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लिया है, इंग्लैंड। भारत में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया है, चेन्नई। भारत में कहाँ पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया, चेन्नई। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की, झारखंड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है, झारखंड। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा, तमिलनाडु। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा, तमिलनाडु। किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार मिला है, राज चेट्टी। किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार मिला है, राज चेट्टी। किसने व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है, द्रौपदी मुर्मू। किसने व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है, द्रौपदी मुर्मू। किस देश के ऑलराउंडर वनिंदु हरसंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, श्रीलंका। किस देश के ऑलराउंडर वनिंदु हरसंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है, श्रीलंका।